أحمد وعلي محمد الذين أصحب الله من حرص وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلي हमें ये भी बात पता थी कि उसूल जब मुहकम हो तब शुरू में पहली डाक होने वाली चीज और नमाज है जिससे कोई कदर नहीं है उसी नमाज का मुकदमा मौजूद है। इस सफर में ये कल चूंकि बच्चे ने मैंने पूछा भी था कि बारिश की नामत क्या तो इसका बता अगर आप साइंस का नुकता नजर देंगे तो प्यूबर्टी होने के बहुत सारे साइंस हैं जिसमें पहला तो ये कि बच्चा के फेशियल मेड्स आएंगे दाढ़ी आएगी ऊँची आएगी आवाज़ बढ़ जाएगा इसी तरह बंदा बहुत साइज में ग्रो हो जाएगा यूनिक हेयर्स और दीगर जगहों में हेयर्स आएंगे और इसी तरह अगर औरत है तो उसका हदिया बॉडी का भी बदल जाएगा। ये इनामतें थी जो वालिद थी और साइंस और इस्लामी अपने नज़र में अगर हम देखेंगे तो उसमें वालिद होने के बहुत सारे इनामतों में से एक इनामत ये बंदा मर्द के लिए 15 साल काम लीजिए ने उर्दू डेट इस्लामिक डेट 15 साल अगर हो जाए अंग्रेजी नहीं इस्लामिक डेट कमरी अगर 15 साल हो जाए तो उस पर दीन का हर हुक्म लागू हो जाएगा और छोटा ही क्यों ना किसी लेकिन 15 साल हो जाए उस पर एहकाम लाजिम हो जाएंगे। उसमें पहला है 15 साल अगर हैं तो इंग्लिश में क्या होंगे तो इंग्लिश में 14 साल 7 महीने 20 रोज अगर किसी बंदे के हैं तो ऑब्वियसली उस पर एहकाम लागू वाजिब हो जाएगा। इसके अलावा औरतों के लिए 9 साल कमरी है 9 ईयर्स इस्लामिक डेट के तो इंग्लिश में देखेंगे 8 साल 8 महीने 15 ठीक है 8 साल 8 महीने 15 याद रखें मुमकिन इसी वजह से कोशिश किया जाएगा और तक के लिए 8 साल 8 महीने 15 और मर्दों के लिए 14 साल 7 महीने 20 अगर ये रहेगा तो उसका इसमें फायदे होने लाभ हो जाएंगे। दूसरी इलामत ये कि मर्द के लिए फेशियल हेयर्स का उठना दाढ़ी आ जाना पूछ आ जाना अगर बंदे ने आ रही है तो उसके ऊपर अहकाम इलाहिया लाजिम हो जाएंगे। तीसरी बात ये कि जेरे नाफ के अगर बाल उग चुके हैं तो ऑब्वियसली उस पर अहकाम दीन नमाज रोज़ा और ये जो उसूल है फ़ुरू हैं ये सब लागू हो जाएंगे। अब दो चीज़ें जो हम आमतौर पर इलामतें समझते हैं लेकिन इस्लामी फलसफे में होता नजर दो चीज़ें इलामत नहीं है वाली उसमें आवाज़ अच्छी नहीं चलती मर्दों के लिए पिच कम हो जाती है जिसके ना हमारे लिए आवाज़ मोटा हो जाता है उठ जाता है और औरतों के लिए बारीक हो जाता है पिच हाई हो जाती है तो ये इलामत नहीं है क्यों इसलिए कि मुमकिन है बेजुबान पर ये लागू नहीं होगा। इसी तरह अगर मुमकिन है किसी का खानदानी खसलत से आवाज़ बारीक हो तो टूटने का इंतजार ही करेगा और उम्र पर हो जाएगी तो इस्लामी नुक्ता नज़र में आवाज़ नहीं है। दूसरा सीने के बाल या जेरे बगल नाक के उगना या ना उगना बालिग होने की इनामत नहीं हालांकि साइंस की इनामत है लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र में बालिग होने की इनामत नहीं है का क्यों इसलिए कि कई ऐसे खानदानी खसलतें हैं जिसमें सीने के बाल नहीं कब क्या उस फायदा उसूल को हम इस्लामी नुक्ते नजर से मिला मिले तो ये होगा नहीं होगा इम्पॉसिबल होगा तो सीने के बाद या जेरे बगल बाल उठना या आवाज़ का चेंज होना ये इलामत नहीं है इसकी इस्लामी वाले को नहीं किया। इसके अलावा मुकदमात तहारत जो नमाज की लाजम है उसमें वजू है वजू के लिए 5 चीज़ें और लाजम है जिसमें पहले नीयत है हर फेर जो इबादत कोशिश ये करें कि आप खुद बदला एक ही अब ऐसा नहीं कि जोहर के लिए वजू करना हो फिर असर के लिए फिर एक इश्यू हो जाएगा तो कोशिश ये करें खुर बनाएगा खुदा हासिल करने के लिए वजू करने काफ़ी। इसके अलावा जब नियत हो जाएगी तो ऑब्वियसली इसके बाद चेहरे का धोना ये 5 वाजिब चीज़ें हैं उसके बाद हाथों का धोना उसके बाद सर का पोसना पैर का पोसना ये 5 वाजिब चीज़ें। इसके अलावा नाक में खुली मुँह में खुली नाक में पानी लगना मुँह में खुली करना या इसी तरह और भी चीज़ें जैसे कढ़ाइयों पर धोना वगैरह वगैरह ये मुस्तबात वाजिबात में इसमें 5 सिर्फ 5 चीज़ें इसमें नियत चेहरे का धोना हाथों का धोना सर का मसा पैर का मसा 5 चीज़ें वाजिब हैं। यही चीज़ अहले सुन्नत के भी वाजिब है इसके अलावा वो मुस्तहब चीज़ों में गर्दन का मसा इसी तरह और चीज़ें इजाफी करते हैं जो इनके यहाँ मुस्तहब है लेकिन हमारे यहाँ थोड़े बहुत इश्यूज़ ना चल रहे हैं। इसी तरह
तीन दफा चेहरा धोना हराम है, तीसरे दफा चेहरा धोना हराम है, एक दफा धोना वाजिब, दूसरे दफा मुस्तहब, तीसरे दफा धोना शेयर हराम है, लेकिन अहले सुन्नत के अलावा नहीं मुस्तहब है। इस तरह हाथ में भी धोना पहले दफा वाजिब है, दूसरे दफा मुस्तहब है, तीसरे दफा अगर धोने की विषय हो जाएगा तो ये कोशिश करेंगे गुरेज करेंगे फटे जाफरी जी के तहत अपने उसूल और अपने जब्त और इस्लामी कायदे उसूल को पाबंद करेंगे। واخر دعوہ ہمارے الحمد للہ رب العالمین۔ سوال اول یہ رہا کہ ہم نے جو علامتیں بیان کی اس میں دو علامت نہیں ہیں جو لاگو نہیں ہوتی اسلامی پرسپشن سے، وہ یہ جو بتائے گا ایک سینے کے بال ایک بال سینے کے بال، جی آپ اگر کسی کے پاس اسی کے ذریعے اگر کوئی سوال ہے تو اگر ممکن اگر ہم جواب دے سکتے تو ضروری ہے، ان شاء اللہ کر لیجیے بہت سارے ایسے بھی عبادت صلی اللہ علی محمد و آل الطیبین الطاہرین۔ جی نماز پڑھتے ہیں نماز میں جو قنوت ہے وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور اللہ نے نماز میں سے بھی لی ہے تو نہ پڑھنا پڑھنا برابر ہے، لیکن مستحب ہے کہ اضافی پر اضافی بہرحال محمد ہے کہ آپ سے جو ہے تعاون کریں گے محمد والے محمد پر سلوات۔